What matters the most? Bharat matters. जयंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, 15 अगस्त 2021 को लाल किले से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने अनाउंस किया था, आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में, इन 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनें देश के हर कोने को आपस से जोड़े करके रही होगी। वहीं यूनियन बजट 2022-23 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी अनाउंस किया कि अगले 3 साल के दौरान देश में 400 से ज्यादा न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। दरअसल गवर्नमेंट इंडियन रेलवेज को ट्रांसफॉर्म करने और इसे वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए कंटिन्यूअस कोशिश कर रही है। इसी कंटिन्यूअस एफर्ट के तहत रिसेंटली पीएम मोदी ने 5 और नई वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया है, जहां बीते 27 जून को भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 वंदे भारत ट्रेन्स को फ्लैग ऑफ किया गया था। इनमें से 2 ट्रेन्स मध्य प्रदेश में और बाकी 3 ट्रेन्स बिहार, कर्नाटका और गोवा के लिए ऑपरेट की जाएंगी। इनमें भोपाल जबलपुर वंदे भारत ट्रेन्स को छोड़कर बाकी 4 ट्रेन्स का वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया गया। इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि जब एक ही दिन में 5 सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स को फ्लैग ऑफ किया गया। न्यूली इंट्रोड्यूस रूट्स में मुंबई गोवा, पटना रांची, बेंगलुरु हुबली, इंदौर भोपाल और भोपाल जबलपुर शामिल हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश को एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेन्स की सौगात मिली। वहीं गोवा, बिहार और झारखंड को उनकी पहली वंदे भारत ट्रेन मिली। इसके अलावा कर्नाटका को भी उसकी सेकंड वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिला। इंडिजिनसली डिजाइन वंदे भारत के नेटवर्क में इस लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ अब देश में इम्पोर्टेंट सिटीज और टाउन्स में 23 डिफरेंट रूट्स पर वंदे भारत ट्रेन्स रन कर रही हैं। कंटिन्यूअस एक्सटेंशंस के थ्रू वंदे भारत का स्पैन अब अक्रॉस 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में है। ये सभी वंदे भारत देश के 126 स्टेशंस के एक्सटेंसिव नेटवर्क को कनेक्ट करती हैं। आज के डिस्कशन में हम देश भर में ऑपरेशनलाइज्ड सभी वंदे भारत ट्रेन्स के बारे में चर्चा करेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से हम ट्रेन्स के इनॉग्रेशन, रूट्स और टाइम टेबल की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन बिना किसी देरी के। दोस्तों, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस क्विक एक्सलरेशन और कंटेम्प्रेरी पैसेंजर एमिनिटीज से इक्विप्ड है। रेलवे के अकॉर्डिंग ये ट्रेन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का लीडिंग एग्जांपल है और देश के रेलवे नेटवर्क और पैसेंजर एक्सपीरियंसेस में एनहांसमेंट के लिए एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस का प्रतीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन 18 फरवरी 2019 को कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली से होली सिटी ऑफ वाराणसी के बीच किया गया था। अब न्यू ट्रेन्स के कंटिन्यूअस इंट्रोडक्शन के साथ कैपिटल सिटी से उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड से कनेक्टिंग 6 ऑपरेशनल रूट्स हैं। यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो देश में पहली वंदे भारत ट्रेन न्यू दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस थी। ये ट्रेन न्यू दिल्ली से वाया कानपुर प्रयागराज होते हुए वाराणसी तक का सफर तय करती है। ऑलमोस्ट 4 साल पहले 15 फरवरी 2019 को न्यू दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस का फ्लैग ऑफ किया गया था। दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुबह 6 बजे रवाना होती है और कानपुर प्रयागराज होते हुए 2 PM को वाराणसी पहुंचती है। वहीं वाराणसी से ये ट्रेन दोबारा दिन में 3 बजे डिपार्ट होती है और न्यू दिल्ली रात 11 बजे पहुंचती है। इस तरह ये ट्रेन 759 किलोमीटर की डिस्टेंस मात्र 8 घंटों में कवर करती है। जम्मू और कश्मीर के लिए न्यू दिल्ली से न्यू दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस है। ये देश की सेकेंड वंदे भारत एक्सप्रेस थी, जिसे 3 अक्टूबर 2019 को फ्लैग ऑफ किया गया था और 5 अक्टूबर 2019 से ये पैसेंजर्स के लिए ऑपरेट होने लगी। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुबह 6 बजे इस ट्रेन का डिपार्चर टाइम है और अम्बाला कैंट, लुधियाना, जम्मू तवी होते हुए ये ट्रेन अपने लास्ट स्टॉप श्री माता वैष्णो देवी कटरा दिन में 2 बजे पहुंचती है। वहीं श्री माता वैष्णो देवी कटरा से ये 3 बजे डिपार्ट करती है और न्यू दिल्ली रात 11 बजे पहुंचती है। इस तरह ये 8 घंटे की जर्नी को पूरा करती है। हिमाचल प्रदेश के लिए कैपिटल सिटी दिल्ली से न्यू दिल्ली अम्बंदौरा वंदे भारत एक्सप्रेस है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 13 अक्टूबर 2022 को इस वंदे भारत ट्रेन को इनॉग्रेट किया था। न्यू दिल्ली अम्बंदौरा वंदे भारत एक्सप्रेस न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 5:50 AM में डिपार्ट होती है। अम्बाला कैंट, चंडीगढ़, आनंदपुर साहिब, ऊना हिमाचल होते हुए ये ट्रेन अपने फाइनल डेस्टिनेशन अम्बंदौरा सुबह 11:05 पर पहुंचती है। इस तरह ये टोटल 5 घंटे 15 मिनट की जर्नी पूरी करती है। वहीं दूसरी तरफ से यानी अम्बंदौरा रेलवे स्टेशन से 1 PM को रवाना होती है और न्यू दिल्ली 6:25 PM में पहुंचती है।
मध्य प्रदेश के लिए दिल्ली से हजरत निजामुद्दीन रानी कमलापति स्टेशन भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस है। पीएम मोदी ने 1 अप्रैल को इसका फ्लैग ऑफ किया था। ये ट्रेन 700 किलोमीटर की डिस्टेंस 7 hours and 30 minutes में कवर करती है। हजरत निजामुद्दीन से ये ट्रेन दोपहर 2:40 में रवाना होती है और रात 10:10 में रानी कमलापति स्टेशन भोपाल पहुंचती है। वहीं भोपाल से सुबह 5:40 AM में डिपार्ट होती है और दिल्ली 1:10 PM में पहुंचती है। वहीं मध्य प्रदेश में रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे पीएम मोदी ने 27 जुलाई को फ्लैग ऑफ किया था, ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन मध्य प्रदेश के महाकौशल रीजन जबलपुर को सेंट्रल रीजन भोपाल से कनेक्ट करती है। इसके अलावा इसी ट्रेन के साथ ही यानी 27 जुलाई को खजुराहो भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस को भी फ्लैग ऑफ किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश की तीसरी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ये ट्रेन स्टेट के मालवा रीजन इंदौर, बुंदेलखंड रीजन खजुराहो और सेंट्रल रीजन भोपाल के बीच ऑपरेट होती है। इस ट्रेन से महाकालेश्वर, मांडू, महेश्वर, खजुराहो, पन्ना जैसे टूरिस्ट साइट्स को बेनिफिट होने की उम्मीद है। राजस्थान के लिए दिल्ली से अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस ऑपरेट होती है। पीएम मोदी ने 25 अप्रैल को राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया था। ट्रेन दिल्ली कैंट से 6:40 PM में स्टार्ट होती है और अजमेर 11:55 PM पे पहुंचती है। इस दौरान ये 428 किलोमीटर की डिस्टेंस 5 hours and 15 minutes में कवर करती है। वहीं अजमेर से ये ट्रेन 6:20 AM पे चलती है और दिल्ली कैंट 11:35 AM में पहुंचती है। दिल्ली से वंदे भारत के थ्रू कनेक्ट होने वाला 6th स्टेट उत्तराखंड है। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देहरादून आनंद विहार टर्मिनस वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसे 25 मई को लॉन्च किया गया था। वहीं इसका रेगुलर ऑपरेशन 29 मई से शुरू हुआ। ये ट्रेन 302 किलोमीटर की डिस्टेंस 4 hours and 40 minutes में कवर करती है। आनंद विहार टर्मिनस से ये शाम 5:50 PM में रवाना होती है और रात 10:30 PM में देहरादून पहुंचती है। इसी तरह देहरादून से 7 AM डिपार्ट करती है और आनंद विहार टर्मिनल 11:45 AM में पहुंचती है। सिमिलरली महाराष्ट्र में विद इन द स्टेट अब सोलापुर और शिरडी को कनेक्ट करती हुई 2 ऑपरेशनल रूट्स हैं। साथ ही गुजरात और गोवा के लिए 2 रूट्स हैं। इनमें मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई से सोलापुर के बीच एक्सेप्ट वेंसडे 6 days रन करती है। पीएम मोदी ने 10 फरवरी 2023 को इस वंदे भारत एक्सप्रेस का फ्लैग ऑफ किया। मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से दिन में 4:05 पर डिपार्ट होती है और अपने डेस्टिनेशन सोलापुर रात को 10:40 पहुंचती है। वहीं नेक्स्ट डे सोलापुर से इस ट्रेन का डिपार्चर टाइम 6:05 AM है और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस 12:35 PM में पहुंचती है। इसी तरह यह टोटल 455 किलोमीटर की जर्नी 6 hours and 35 minutes में कवर करती है। वहीं महाराष्ट्र में विद इन द स्टेट मुंबई श्रेणी वंदे भारत एक्सप्रेस भी ऑपरेट होती है, जिसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ ही यानी 10 फरवरी 2023 को फ्लैग ऑफ किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से मुंबई श्रेणी वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 6:20 AM पर डिपार्ट करती है और अपनी डेस्टिनेशन साईनगर श्रेणी सुबह 11:40 AM पर पहुंचती है। वहीं साईनगर श्रेणी से 5:25 PM पर डिपार्ट होती है और 10:50 PM पे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुंचती है। इस तरह ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से श्रेणी के बीच टोटल जर्नी 5 hours and 20 minutes में पूरी करती है। इसके अलावा गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस ऑपरेशनलाइज है। इस ट्रेन को 30 सितंबर 2022 को पीएम मोदी ने फ्लैग ऑफ किया था। शुरू के दोनों वंदे भारत एक्सप्रेस के ऑलमोस्ट 3 साल बाद ये तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस थी। दरअसल कोविड पैंडमिक की वजह से इन ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित हुई थी, इसी वजह से तीसरी वंदे भारत के लॉन्च होने में इतना समय लगा। मुंबई और गुजरात के कैपिटल गांधीनगर के बीच ऑपरेट होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस वेंसडे के अलावा हफ्ते के बाकी 6 दिन चलती है। मुंबई सेंट्रल से ये सुबह 6 बजे रवाना होती है और अपने डेस्टिनेशन गांधीनगर दिन में 12:25 पर पहुंचती है। इसी तरह ये मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर कैपिटल स्टेशन तक 520 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है और इस दौरान 6 घंटे 25 मिनट का समय लेती है। वहीं गांधीनगर कैपिटल से 2:05 PM में रवाना होती है और मुंबई सेंट्रल 8:25 PM पे पहुंचती है। वहीं महाराष्ट्र को कनेक्ट करने वाली 4th वंदे भारत ट्रेन मुंबई मडगांव गोवा वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसे 27 जुलाई को फ्लैग ऑफ किया गया था। वहीं राज्य की 5th वंदे भारत ट्रेन यानी नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को फ्लैग ऑफ किया था। हालांकि 14 मई 2023 से इस ट्रेन को लेस ऑक्यूपेंसी की वजह से टेम्परेरली तेजस से रिप्लेस किया गया है।
रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों पीएम ने 27th ऑफ जून को जिन 5 वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया था उनमें रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस भी है। ये झारखंड और बिहार की पहली वंदे भारत है। पटना से ये ट्रेन सुबह 7 बजे रवाना होती है और रांची दोपहर 1 बजे पहुंचती है। वहीं रांची से इसके डिपार्ट होने का समय 4:15 PM है और पटना पहुंचने की टाइमिंग रात 10:05 PM है। इस तरह ये ट्रेन 379 किलोमीटर की जर्नी करीब 6 घंटे में पूरी करती है। वहीं कुछ दिनों पहले लॉन्च न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी के बीच रीजन की पहली वंदे भारत ट्रेन के साथ ये ट्रेन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया तक भी पहुंच गई है। पीएम मोदी ने लास्ट 29 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस रीजन के दूसरे स्टेट्स में भी रूट पर इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद यहां भी वंदे भारत का नेटवर्क एक्सपैंड हो जाएगा। एक रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के मुताबिक फिलहाल वंदे भारत ट्रेन त्रिपुरा में रन नहीं कर सकती क्योंकि यहां भी रूट इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। इससे पहले पीएम मोदी ने वेस्ट बंगाल के लिए फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस 30th of December 2022 को लॉन्च किया था जो हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से कनेक्ट करती है, जबकि सेकंड वंदे भारत हावड़ा से ओडिशा के पुरी के बीच रन करती है जिसका इनॉग्रेशन पीएम ने 22nd of May 2023 को किया था। यदि साउथ इंडिया की बात करें तो चेन्नई मैसूरु वंदे भारत एक्सप्रेस देश की 5th और साउथ इंडिया की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। ये ट्रेन तमिलनाडु में चेन्नई और कर्नाटका में मैसूरु तक की जर्नी पूरी करती है। पीएम मोदी ने 11th ऑफ नवंबर 2022 को इस ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया था। वहीं चेन्नई कोयम्बतूर वंदे भारत एक्सप्रेस चेन्नई से कोयम्बतूर के बीच रन करती है और ये 497 किलोमीटर की डिस्टेंस 5 आवर्स एंड 50 मिनट्स में कवर करती है। धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस कर्नाटका को मिलने वाली दूसरी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसे भी 27th ऑफ जून को फ्लैग ऑफ किया गया था। ये ट्रेन धारवाड़, हुबली और दावणगेरे जैसी सिटीज को स्टेट कैपिटल बेंगलुरु से कनेक्ट करती है। इसी तरह सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस को इसी साल 15 जनवरी को पीएम मोदी ने वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया था। सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस तेलंगाना के सिकंदराबाद जंक्शन से 3 PM डिपार्ट होती है और अपने डेस्टिनेशन विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन रात को 11:30 PM पर पहुंचती है। इसी तरह विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से 5:45 AM में रवाना होती है और सिकंदराबाद जंक्शन 2:15 PM पे पहुंचती है। इसी तरह ये टोटल 699 किलोमीटर की डिस्टेंस 8 आवर्स एंड 30 मिनट्स में कवर करती है। इसके अलावा सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ITCT हैदराबाद को अबोर्ड ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा तिरुपति से कनेक्ट करती है। ये तेलंगाना की सेकेंड वंदे भारत ट्रेन है। ये ट्रेन दोनों सिटीज के बीच ट्रेवल टाइम को ऑलमोस्ट 3.5 hours रिड्यूस करती है और पिलग्रिमेज पर आने वाले पैसेंजर्स को फायदा पहुंचाती है। सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस 661 किलोमीटर की डिस्टेंस 8 आवर्स एंड 15 मिनट्स में कवर करती है। दोस्तों यदि केरला की बात करें तो तिरुवनंतपुरम कासरगोड वंदे भारत एक्सप्रेस कैपिटल सिटी ऑफ तिरुवनंतपुरम को कासरगोड से कनेक्ट करती है। एक्सेप्ट थर्सडे ये ट्रेन 6 days ऑपरेट होती है। ये ट्रेन त्रिवेंद्रम सेंट्रल से सुबह 5:20 AM में डिपार्ट करती है और कासरगोड दिन को 1:20 PM पर पहुंचती है, जबकि कासरगोड से ये 2:30 PM पर रवाना होती है और त्रिवेंद्रम सेंट्रल रात को 10:35 PM पर पहुंचती है। इसी तरह ये 588 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी 8 आवर्स एंड 5 मिनट्स में कवर करती है। दोस्तों इंडियन रेलवे लॉन्ग डिस्टेंस रूट्स पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन स्टार्ट करने की तैयारी में है। फिलहाल देश भर में जो वंदे भारत ट्रेन ऑपरेशनलाइज हैं, इनमें सिर्फ एग्जीक्यूटिव क्लास और चेयर कार सीटिंग अरेंजमेंट है। रिसेंटली टीटागढ़ रेलवे स्टेशन लिमिटेड TRSL और स्टेट ओन्ड भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के कंसोर्टियम ने 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडियन रेलवे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। 24,000 करोड़ रुपीस के इस एग्रीमेंट के तहत टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड एंड भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कंसोर्टियम 2029 तक 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगा। इसके अलावा इस एग्रीमेंट में इन ट्रेन्स का मेंटेनेंस भी शामिल है। ये पहली बार है जब इंडियन रेलवेज ने कंप्लीट ट्रेन सेट्स की डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और 35 ईयर्स के मेंटेनेंस के लिए किसी इंडियन कंसोर्टियम को इस वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। TRSL भेल कंसोर्टियम एकमात्र आत्मनिर्भर कंसोर्टियम के तौर पर इस टेंडर में पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस के सक्सेसफुल मॉडल के बाद रेलवेज ने 2024 तक अक्रॉस लोकल एंड सब अर्बन सर्विसेज के लिए
वंदे मेट्रो ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करने की प्लानिंग की है। इसी प्लानिंग के तहत मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन यानी MRVC ने मुंबई सबर्बन रेलवे सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए 238 वंदे मेट्रो एयर कंडीशन रेक्स के लिए टेंडर्स इन्वाइट किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट MUTP के थ्रू टोटल 2,856 कार्स प्रोड्यूस किए जाएंगे और ये करेंटली मुंबई लोकल रेल नेटवर्क में यूज नॉन AC ट्रेन्स को रिप्लेस करेंगी। तो जिस तरह लगातार एक के बाद एक वंदे भारत लॉन्च की जा रही है, आने वाले कुछ समय में पूरे देश में इस ट्रेन का बड़ा नेटवर्क डेवलप हो जाएगा और गवर्नमेंट इसके लिए एफर्ट्स भी डाल रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस साल जब PM 15th अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के मौके पर देश के लोगों को एड्रेस करेंगे, तब तक देश भर में 75 वंदे भारत ट्रेन ऑपरेशनलाइज होती हैं या फिर नहीं। और इसी सवाल के साथ अपने वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।